लेकिन सबसे पहले ये देख लो कि सबसे पहले स्कोप, बाउंड्रीज तो वही है, स्कोप तो वही है। स्कोप को समझने के लिए या स्कोप को आसानी से डील करने के लिए हम स्कोप को नंबर असाइन कर देते हैं। अच्छा क्यों? अगर तुम कहते हैं वाइल का स्कोप है, ये स्कोप का नाम दे देते हैं, वाइल का स्कोप है तो वाइल का स्कोप तो कई कई जगह आएगा, तो ठीक है। अगर वाइल डॉट एफ एन का स्कोप है तो एफ एन के अंदर ही वाइल का स्कोप कई दफ़ा आ सकता है, ठीक है। तो स्कोप हमें समझ, ठीक है, तो स्कोप सब आसानी से डील करने के लिए हम स्कोप को नंबर दे देते हैं। अच्छा स्कोप को नंबरिंग कैसे असाइन करते हैं? जैसे ही ब्रेसेस ओपन होता है हम कहते हैं कि स्कोप शुरू हो गया, अच्छा स्कोप यहाँ शुरू हो गया, नहीं ये नया स्कोप है क्लास ए, ठीक है, नहीं ए की यहाँ से बाउंड्री स्टार्ट है, यहाँ से स्कोप स्टार्ट हो गया, हम कहते हैं यहाँ से स्कोप स्टार्ट हो गया। और ये स्कोप जब तक चल रहा है जब तक ए की बाउंड्री क्लोज नहीं हो रही, ये पूरा एक स्कोप है। और हमने पहले स्कोप को कोड शुरू होते ही सबसे पहले ये आया, तो ये मैंने इसे कहा ये, ठीक है, ये स्कोप नंबर वन है, नंबर असाइन कर दिया। इसके अंदर फंक्शन स्टार्ट हुआ, अच्छा यहाँ से स्कोप इसलिए कहा है एफ एन, तो क्लास के अंदर ही डिक्लेयर है, लेकिन एफ एन का स्कोप इंट ए से स्टार्ट हो गया, इसलिए स्कोप टू को यहाँ इंट ए से स्टार्ट कर दिया। एफ एन इंट स्कोप नंबर टू में नहीं है, वो तो क्लास के अंदर है, ए जो डिक्लेयर्ड है ये एफ एन के अंदर है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसकी बाउंड्री यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो ये पूरा स्कोप है। वन के बाद टू आता है नंबर, यानी नेक्स्ट, तो यूनिक नंबर बस देना है, ये इसको नंबर टू हो गया। इसके अंदर वाइल स्टार्ट हुआ तो ये वाइल को थ्री स्कोप कह दिया, वाइल के अंदर इफ का स्कोप स्टार्ट हुआ ये ब्रेसेस, तो यहाँ से यहाँ तक फोर स्कोप है। जब फाइव स्कोप लाइव है तो फोर डेड हो चुका है, इसका मतलब फाइव लाइव है तो थ्री भी लाइव है, तो टू भी लाइव है, तो वन भी लाइव है, क्योंकि फाइव ओपन है तो उसका मतलब वाइल भी ओपन है, तो उसका मतलब एफ एन भी ओपन है, तो उसका मतलब क्लास भी ओपन है। तो फाइव का पेरेंट थ्री टू वन है, फोर का पेरेंट भी थ्री टू वन है, अच्छा सिक्स पे। जब ये फंक्शन खत्म हो गया तो यहाँ से नया फंक्शन स्टार्ट हुआ, एक नई बाउंड्री स्टार्ट हो गई, ये एफ, ठीक है, यहाँ पे एल्स खत्म हुआ, फाइव खत्म हुआ, यहाँ पे थ्री खत्म हुआ, यहाँ पे टू खत्म हुआ। अब यूनिक नंबर रीयूज नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, हर रीयूज करेंगे तो एम्बिग्युटी आ जाएगी कि इस स्कोप में ढूंढने या उस स्कोप में ढूंढने, कोड तो एक साथ पूरा चेक होता है। नंबर टू, हर दफ़ा एक नया यूनिक नंबर, जैसे ही ब्रेसेस ओपन हुआ या जहाँ पे बाउंड्री स्टार्ट हुई आपने, ठीक है, एफ एन क्लास के अंदर डिक्लेयर है यहाँ, ठीक है, लेकिन एक्स और ए स्कोप नंबर सिक्स के अंदर डिक्लेयर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक स्कोप है जिसे स्कोप नंबर सिक्स, सिक्स का पेरेंट वन है, ठीक है, सिक्स, तो इसका मतलब अगर तुम गौर करो, पेरेंट का मतलब ये नहीं है प्रीवियस नंबर, प्रीवियस स्कोप नहीं है, पेरेंट का मतलब है लाइव स्कोप जिसके अंदर वो ओपन है, ठीक है। फिर नई क्लास, नया स्कोप, यहाँ से नया स्कोप, सेवन स्कोप शुरू हुआ ए से, ए और एफ ने स्कोप में डिक्लेयर है, लेकिन इंट ए अगेन इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इस स्कोप में विजिबल है, तो ये स्कोप एट हो गया, इसके अंदर वाइल आया नाइन हो गया, इफ टेन हो गया, एल्स इलेवन हो गया। तो अगर तुम देखो तो ये स्कोप है, स्कोप अलग अलग है, इलेवन का पेरेंट नाइन है, एट है, सेवन है, टेन का पेरेंट नाइन है, एट है, सेवन है। सेवन से ऊपर हम बात नहीं कर रहे, हम इस वक्त नेम स्पेसेस को डिस्कस नहीं कर रहे, अगर नेम स्पेस होती तो ऑब्वियसली नेम स्पेस का एक अलग स्कोप होता, वहाँ से स्कोप स्टार्ट करते तो हम कहते हैं वो स्कोप में, ठीक है, या उस बाउंड्री में, स्कोप ना भी लिखते तो हम नेम स्पेस को तो बाउंड्री कह सकते हैं कि उस बाउंड्री में, ठीक है। तो क्या कहा हमने कि हर जहाँ से स्कोप, यानी जहाँ डिक्लेरेशन स्टार्ट होती है जिस बाउंड्री से, उस बाउंड्री को हम स्कोप कहते हैं, और ऐसे स्कोप को हम एक नया नंबर देते हैं, ठीक है। इनफैक्ट क्लास को हमने स्कोप नंबर सिर्फ अपनी आसानी के लिए दिया, वरना क्लास की तो बाउंड्री कहलाती है, क्लास स्कोप नहीं कहलाता, स्कोप बेसिकली फंक्शन का होता है, ये फंक्शन के अंदर जो ब्रेसेस होते हैं ना इनके स्कोप होते हैं, क्योंकि क्लास के अंदर तो आप एक्चुअल कोड नहीं लिखते, आप सिर्फ डिक्लेरेशंस करते हैं, ठीक है, इसलिए, लेकिन हमने सिर्फ इसको आसान समझने के लिए, क्योंकि जब वेरिएबल आता है वो सारे स्कोप में चेक होता है और आखिर में वो क्लास में भी चेक होगा, क्योंकि क्लास का तो वेरिएबल नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ इसको अपनी अपनी वर्किंग आसान करने के लिए नंबर दे दिया। वरना दोबारा रिपीट कर लूँ, स्कोप की डेफिनेशन जो होती है वो होती है जहाँ पे स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट आप एक्चुअल कोड आपके फंक्शंस के अंदर लिखा हुआ होता है, क्लासेस के अंदर सिर्फ डिक्लेरेशंस होती है। अब होता क्या है, चेकिंग कैसे होती है, सिर्फ उसकी एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है, लेट सपोज, ठीक है, जो इसमें एग्जांपल में स्ट्रैक बना हुआ है इसी, ठीक है, इसीलिए बनाया था, ये इसके अंदर वेरिएबल एक्स इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, ये एक्स अगर तुम गौर देखते हैं कि एक्स सही डिक्लेयर है कि नहीं है, तो हाँ एक्स एक्स एफ एन के अंदर डिक्लेयर है, तो इट्स अ वैलिड डिक्लेरेशन, बिल्कुल यूज़ हो सकता है, कोई इशू नहीं है। जब ये चेक करना है कि अनडिक्लेयर्ड तो नहीं है वेरिएबल, तो क्या हुआ, एक्स जब यहाँ पे पहुँचा होगा सिमेंटिक एनालाइजर, तो उसने चेक किया एक्स डिक्लेयर है कि नहीं है, तो उसने चेक किया करंट स्कोप में मौजूद है कि नहीं है, तो उसने कहा कि नहीं करंट स्कोप में नहीं है। अब इसको पेरेंट स्कोप में जाना है, माइनस से नहीं पता चल सकता पेरेंट स्कोप, उसके लिए इस टैग मेंटेन करता है, क्या करता है, होता ये है कि जैसे ही स्कोप स्टार्ट होता है कहता है करंट स्कोप ये, और वो उसको स्टैक पर पुश कर देता है, टॉप ऑफ द स्टैक का मतलब करंट स्कोप, और जैसे क्लास ए की बाउंड्री स्टार्ट हुई स्टैक पर वन पुश हो गया, और जब तक, ठीक है, नया स्कोप नहीं खुला है करंट टॉप पे यही पड़ा है,
फिर जैसे एफ एन कब कोर्ट पे पहुंचा सिमेंटिक एनालाइजर और यहाँ से स्टार्ट किया, इसने कहा स्कोप नंबर टू स्टार्ट हो गया, एक नया स्कोप उसने क्रिएट किया नंबर ऐड करके और उसने उसे स्टैक पे पुश कर दिया। जब ये टू आ गया तो टॉप ऑफ द स्टैक टू था और उसका पेरेंट वन था। फिर वाइल स्टार्ट हुआ, इसने स्टैक पे थ्री पुश कर दिया, अब टॉप पे थ्री पड़ा है, टू और वन उसका पेरेंट है। जैसे फोर स्टार्ट हुआ होगा, इसने स्टैक पे पहले फोर पुश किया होगा, और जैसे ये फोर एंड हुआ इसने इस पे से पॉप कर लिया। देखो फोर की एंट्री नहीं है, जब फाइव ओपन हुआ तो फोर क्लोज हो चुका था। जैसे फाइव ओपन हुआ स्टैक पे थ्री टू वन तो ऑलरेडी पड़ा, क्योंकि जब फोर खत्म हुआ तो दोबारा थ्री इसका पेरेंट था, हम थ्री पे पहुंच गए। और जैसे ही नया फिर स्कोप स्टार्ट हुआ उसने स्टॉप, अब इस वक्त स्टैक क्या बता रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक। जब मैं इस पे खड़ी हूँ, अगर मैं इस स्टेटमेंट पर हूँ इधर इधर, ठीक है, तो इधर के रिस्पेक्ट से देखना, टॉप ऑफ द स्टैक बता रहा है करंट स्केप करंट स्कोप फाइव है, और फाइव के ऊपर थ्री टू वन साइव लाइव स्कोप, यानी फाइव के पेरेंट ही है। इसका मतलब है जब वेरिएबल एक्स को चेक करना है सबसे पहले करंट स्कोप में चेक करो डिक्लेयर है कि नहीं है, नहीं करंट स्कोप में डिक्लेयर नहीं है। अब इसके पेरेंट में, इसका पेरेंट कैसे पता चलेगा, पीक करो पीछे वाला थ्री, क्या थ्री में डिक्लेयर है, नहीं थ्री में भी डिक्लेयर नहीं है, स्टिल नॉट अनडिक्लेयर नहीं कह सकते। अब दोबारा इसके पेरेंट में चेक करो टू में, क्या टू में डिक्लेयर है, हाँ डिक्लेयर है, इट्स अ वैलिड डिक्लेरेशन। लेट सपोज यहाँ वेरिएबल वाई होता, कह जाएंगे होती पहले करंट स्कोप में होता डिक्लेयर्ड है, नहीं है, फिर इसके पेरेंट में विच इज़ थ्री मौजूद है वाई यहाँ पे भी नहीं होता, फिर इसके पेरेंट में विच इज़ टू यहाँ पर भी नहीं होता, फिर इसके पेरेंट में विच इज़ वन यहाँ पर भी नहीं होता, तो ओनली देन वी कैन से कि वाई इज अनडिक्लेयर्ड, अगर ये वाई होता तो, ठीक है। वॉट इफ अगर एक्स यहाँ पर भी डिक्लेयर नहीं होता और बाहर डिक्लेयर होता तो टू में नहीं चेक होता, वन में होता। और अगर अभी मैं यहाँ पर वाई लिख दूँ और वाई कहीं मौजूद ही नहीं है तो इसका मतलब है इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसका मतलब अनडिक्लेयर्ड है, ठीक है। तो अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल, अच्छा रीडिक्लेरेशन, अगर इसी पे मैं कहीं डिक्लेरेशन करा दूँ, इसमें इंट ए है और इधर ही ए डिक्लेयर करा दूँ तो क्या होता, सिर्फ आपने चेक किया करंट स्कोप स्कोप नंबर थ्री, आगे पीछे नहीं देखना, इस वक्त स्टैक की ज़रूरत नहीं है। तो स्कोप स्टैक को आप मेनटेन किस लिए करते हैं, ये चेक करने के लिए कि वेरिएबल डिक्लेयर्ड है कि नहीं, क्योंकि जब वेरिएबल डिक्लेरेशन चेक करते हैं तो आपको सारे लाइव स्कोप का सारे करंट स्कोप का मालूम होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर हम स्कोप नंबर 11 में जो एक्स आया इसको सर्च करते तो क्या होता, करंट स्कोप 11, अब स्कोप स्टैक कैसे मेंटेन हुआ है, 7 खुला होगा, 7 पुश हो गया, 7 क्लोज नहीं हुआ, अगला स्कोप 8 ओपन हुआ वो पुश हो गया, 9, ठीक है, 10 ओपन हुआ 10 पुश हुआ लेकिन 10 क्लोज हुआ और 10 पॉप हो गया, जब 11 ओपन हुआ तो 10 खत्म हो चुका तो 11 का पेरेंट 9 है। तो अब हुआ है कि करंट स्कोप 11 है, एक्स को करंट स्कोप में सर्च किया नहीं मौजूद, उसके पेरेंट स्कोप में सर्च किया ठीक है नहीं मौजूद, उसके पेरेंट स्कोप में सर्च किया मौजूद है डिक्लेयर्ड है, अगर नहीं होता तो उसके पेरेंट स्कोप में और किसी में भी नहीं मिलता तो अनडिक्लेयर्ड कहलाता, ठीक है। सिमिलरली अगर अगर मैं यहाँ पर होती तो फिर 11 में बात ही नहीं होती, वो 10 करंट मेरा 10 होता, ठीक है। तो क्या करते हैं, जैसे ही ब्रेसेस ओपन होते हैं या कहीं यहाँ पर ज़रूरी नहीं है ब्रेसेस ओपन, जैसे ही बाउंड्री स्टार्ट होती है फंक्शन की, क्योंकि ये ब्रेसेस के बगैर यहाँ से स्टार्ट होती है, वैसे ही आप अपने नंबर को, जो कि स्कोप का नंबर है जो इनिशियली वन से स्टार्ट हुआ उसको प्लस प्लस करते हैं, एक नया नंबर मिल जाता है विच इज़ यूनिक नंबर, और आप उसको स्टैक पे पुश करा देते हैं, जैसे ही नंबर नया आता है पुश कराते रहते हैं। जब आपका कोई वेरिएबल आता है और सिमेंटिक एनालिसिस सर्च करता है कि क्या वेरिएबल मौजूद है कि नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आप टॉप ऑफ द स्टैक पे जो नंबर पड़ा होता है आप उसको कहते हैं करंट स्कोप के, और आप उस स्कोप में सर्च करते हैं। कहाँ सर्च करते हैं, कैसे सर्च करते हैं, अभी हम उसकी बात करेंगे, जो डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करना है हमें, ठीक है। आप उसको वहाँ सर्च करते हैं, मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज आप स्टैक पे से पॉप किए बगैर पीक करते हैं पिछला वाला, उससे पिछला वाला, जब पूरा जितनी हायरार्की है, अगर आपको कहीं पे भी रास्ते में मिल जाता है वहीं स्टॉप करते हैं, आप कहते हैं हाँ ठीक है टाइप इसकी ये यहीं, इसका मतलब है ये इस डिक्लेयर्ड है। डिक्लेरेशन चेक कहाँ करनी है, मेंटेन कहाँ है, वो सिंबल टेबल शुरू में बताया था, सारी डिक्लेरेशन सिंबल टेबल में मेंटेन है। तो बेसिकली स्टैक आपको नंबर दे रहा है कि जिस नंबर के थ्रू आपको सिंबल टेबल में चेक करना है कि ये नाम का वेरिएबल इस स्कोप के साथ सर्च कर लो, ना ए नाम का वेरिएबल 10 बार मिलेगा, लेकिन सिर्फ मुझे कंसर्न किससे, ए नाम का वेरिएबल यहाँ पे भी है, ए नाम का वेरिएबल यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी, लेकिन मैं कंसर्न सिर्फ कितने इसके या इसके किसी लाइव स्कोप में वो मौजूद है कि नहीं है, बाकी मुझे किसी से कंसर्न नहीं है। तो लाइव स्कोप ही, तो स्कोप स्टैक क्या होता है, स्कोप स्टैक बेसिकली आई सिंपल इंटीजर स्टैक, इसको आप मेंटेन सिमेंटिक एनालाइजर मेंटेन करता है अलॉन्ग विद द सिंबल टेबल, सिंबल टेबल अलग मैनेज होगा, ये अलग मैनेज होगा। और करता क्या है, जैसे ही आप सिमेंटिक एनालाइजर वर्किंग स्टार्ट करता है, वो एक स्कोप का वेरिएबल को, इंटीजर वेरिएबल को लेता है, इसको जीरो या वन से इनिशियलाइज करता है। जैसे ही बाउंड्री, कहीं भी बाउंड्री स्टार्ट होती है, जैसे सपोज जीरो से स्टार्ट करता है, जैसे ही ब्रेसेज ओपन होते हैं या आइदर ब्रेसेज ओपन और वॉट एवर, हर जगह चेक लगे हुए इस हिसाब से, ठीक है, सिंटेक्स के हिसाब से, जहाँ पर आपकी बाउंड्री स्टार्ट होती है वहाँ से अपने पहले स्कोप को
वेरिएबल को, इंटीजर वेरिएबल को प्लस प्लस करता है और स्टैक पर पुश कर देता है। जैसे ही वेरिएबल आता है क्या चेक होने के लिए कि वो मौजूद है कि नहीं है, तो सबसे पहले स्टैक के टॉप से चेक होता है और टैग टॉप पर जो नंबर है उसमें चेक होता है और फिर उसके जो सारे लाइव स्कोप है। जैसे ही ब्रेस क्लोज होते हैं स्टैक पे से वैल्यू पॉप हो जाती है, नंबर माइनस माइनस नहीं होता। याद रखना एवरी स्कोप नंबर हैज़ अ यूनिक नंबर, स्कोप हैज़ अ यूनिक नंबर, रिपीटेटिव नहीं है, ठीक है। तो स्कोप स्टैक मेंटेन किया जाता है स्कोप को डील करने के लिए, डिक्लेरेशन चेक करने के लिए, ठीक है। और स्कोप की वैल्यूज़ जो हमने असाइन की हैं ये आपके आगे जाके इस्तेमाल होंगी, और साथ में ये स्टैक, ठीक है, कि कहाँ कहाँ चेक करना है। व्हाट इज़ अ सिंपल टेबल, जस्ट स्टार्ट में थोड़ा इंट्रो दिया था उसी को रिवाइज करा देते हैं। सिंपल टेबल इज़ बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर मतलब ये है कि इम्प्लीमेंटेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तुम सब आज़ाद हो, हर कोई आज़ाद है कि वो कैसे तुम फाइलिंग कर सकते हो, तुम प्रॉपर डेटा बेस मेंटेन कर सकते हो, तुम एक एरे लिस्ट ले सकते हो, तुम कोई 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 और टाइप का डेटा स्ट्रक्चर ले सकते हो, इट कुड बी 2D एरे ले सकते हो, इट कुड बी एनी टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अब टेबल लिखा है तो 2D समझ में आ रहा है, रोज एंड कॉलम की बात हो रही है। इट कुड बी एनी टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन। करना क्या है, जिसको आपकी आइडेंटिफायर से रिलेटेड तमाम की तमाम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का मतलब ये कि वो सारी इन्फॉर्मेशन डिक्लेरेशन के वक्त जो कि आगे आकर इस्तेमाल होगी। जैसे एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है तो उसकी एक्सेस मॉडिफायर इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि चेक होना है कि कहाँ कहाँ एक्सेस हो सकता है। उसकी टाइप इंपॉर्टेंट है, ये चेक होना है उसमें असाइन होने वाली वैल्यू क्या है। उसका नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो किस स्कोप में डिक्लेयर हो रहा है, किस बाउंड्री में डिक्लेयर हो रहा है, ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक फंक्शन है तो फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है, फंक्शन के पैरामीटर लिस्ट क्या है, वो वर्चुअल तो नहीं है, वो स्टैटिक तो नहीं है, क्योंकि ऐसे एक्सेस किस तरह करना है, वो पब्लिक है वो प्राइवेट है कि प्रोटेक्टेड है। तो ये सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो किसी भी आइडेंटिफायर के रिलेटेड मौजूद होनी चाहिए, जिससे सिमेंटिकली आपको यूज़ करनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन सिंबल टेबल में आपको स्टोर करनी है। स्टोर करेंगे तो जिस पॉइंट पे डिक्लेरेशन या नॉन डिक्लेरेशन या जो भी चेकिंग आपको करनी है, अगर वो इन्फॉर्मेशन होगी तो आप वहाँ से गेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली अपने चेक सिमेंटिक एनालाइजर चेक करेगा। अच्छा, बेसिकली दो पर्पज़ हैं टेबल में, या तो एंट्री की जाती है, टेबल से एंट्री रिट्रीव की जा वैल्यू रिट्रीव की जाती है। तो जब कभी भी वेरिएबल अगर या तो सिमेंटिक एनालाइजर या तो सिंबल टेबल में वैल्यू को इन्फॉर्मेशन को एंटर करेगा, कब, अगर वो ऑलरेडी मौजूद ना हो। क्यों, अगर ऑलरेडी मौजूद है तो उसका मतलब क्या है, रीडिक्लेरेशन। ये नाम का वेरिएबल इस स्कोप में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, चेक किया हाँ मौजूद है, अब एंटर नहीं करोगे, एरर दोगे। तो अगर वो ऑलरेडी मौजूद ना हो तो उसे एंटर किया जाता है। और जब कभी भी आपको सिमेंटिकली चेकिंग करनी होती, कौन सी चेकिंग, चाहे तुम टाइप चेकिंग कर लो, चाहे तुम अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल को चेक करने के लिए बात करो कि वेरिएबल मौजूद है कि नहीं है, तो भी तुम्हें चेक करना है नाम उसको, इस बाउंड्री में मौजूद है कि नहीं है। या तुम अगर ये नहीं चेक करना, तुम्हें ये करना है कि वेरिएबल फंक्शन ऊपर वर्चुअल है कि नहीं है, तो भी तुम्हारी सिंबल वही तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मेंटेन्ड है। तो रिट्रीव इन्फॉर्मेशन एंटर सिर्फ डिक्लेरेशन के टाइम पर होती है, वो भी कब, ऑलरेडी मौजूद ना, ऑलरेडी मौजूद है तो रीडिक्लेरेशन होती है। अदर देन दैट हर जगह पर चाहे टाइप चेकिंग करनी हो, चाहे विजिबिलिटी की इन्फॉर्म की बात करनी हो, चाहे अनडिक्लेयर्ड चेक करना हो, आप इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं। अच्छा, ठीक है, तो ठीक है, तो अब हम दोबारा रिपीट कर दूं अगर ये बात कहीं मिस ना हो जाए, कि जब स्टार्ट होता है आप सिमेंटिक एनालाइजर, तो आपका मेन टेबल, ठीक है, मौजूद होता है, आपका फंक्शन टेबल मौजूद होता है, इन दो के इंस्टेंस मौजूद होते हैं लेकिन एम्प्टी फंक टेबल होते हैं। तीसरा जो आपका डेटा टेबल है, उस डेटा टेबल को आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ डेफिनेशन पड़ी हुई है, लेकिन वो उसका इंस्टेंस कब क्रिएट होगा, जब आपकी मेन टेबल में कोई एंट्री होगी तो उस वक्त उसका इंस्टेंस क्रिएट होगा और वो लिंक होगा। इससे पहले उसकी एग्जिस्टेंस नहीं, उसका टेबल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, उसे एम्प्टी होने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे क्लास बनती जाएगी उसमें अंदर एंट्रीज होती जाएंगी, ठीक है। तो जैसे क्लास की या इंटरफेस की या स्ट्रक्ट की एंट्री हुई, एक नया टेबल क्रिएट हो गया। अच्छा, जैसे अब ठीक है, अब कोड तुम्हारे पास कोड पीछे लिखा हुआ है, मेरे पास यहाँ पे स्लाइड पे जगह नहीं थी तो बार बार से पेस्ट करने की, तो तुम लोग रेफ़र करने के लिए अपने कोड को रेफ़र कर लेना, नहीं तो अपने कोड को कहीं लिख लो अपने सामने और उसके बाद इस, ठीक है, करना। अभी सिर्फ क्लास ए की एंट्री हुई है और देख लो, अब तो अपने अपने मैं फिर वही, ए नाम की क्लास, ए नाम है,
क्लास की टाइप है, एक्सेस मॉडिफायर डिफॉल्ट में जो भी होता है पब्लिक, ठीक है वो आएगा, डिफॉल्ट नहीं लिखते एक्चुअली वो लिखते हैं, डिफॉल्ट लिखोगे तो भी पब्लिक या प्राइवेट जो भी होता है उससे रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। कैटेगरी जनरल है, जनरल का मतलब क्या है, ना सील्ड है ना एब्स्ट्रैक्ट, जनरल है, ठीक है। पैरेंट, सी शार्प और जावा में जब पैरेंट किसी क्लास का, कोई पैरेंट नहीं होता कॉलन के, कोई इनहेरिटेंस नहीं होती, तो बाय डिफॉल्ट वो ऑब्जेक्ट की क्लास होती है। लेकिन ऑब्जेक्ट की क्लास याद रखना, ये भी एक प्री डिफाइंड क्लास है, एग्जिस्ट करती है। तुम अब अपना कंपाइलर अगर डिज़ाइन करने जाओ, तुमने अगर ऐसी कोई क्लास बना के ऑलरेडी स्टोर की तो ठीक है, अदरवाइज तुम्हारी क्लास में कोई पैरेंट नहीं है। लेकिन हम सी शार्प के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, तो नन भी लिखोगे तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्लास एग्जिस्ट करती है। तो ऑब्जेक्ट या नन, ये सी शार्प या जावा दोनों में ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। मेरे और तुम्हारी लैंग्वेज है, हमने किसी से इनहेरिट नहीं कराया, कोई डिफॉल्ट क्लास नहीं है, इट विल बी नल, ठीक है। एंड दैट लिंक, जैसे ही क्लास ए क्रिएट हुई उस वक्त एक नया टेबल की, एक नया टेबल की एंट्री बनेगी जो इनिशियली एम्प्टी होगा और उसके अंदर, इसके अंदर इसका एड्रेस सेव हो जाएगा। अब जैसे क्लास के अंदर हम जाते जाएंगे उस और उनकी एंट्रीज, पहले ए क्लियर हुआ, ए है, इंट है, प्राइवेट है। प्राइवेट क्यों है, क्योंकि उसका कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं है, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है, ठीक है। प्राइवेट हुआ और टाइप मॉडिफायर कुछ नहीं है, दैट इज़ नन है, एम्प्टी है। ए के बाद एफ एन आया, एफ एन नाम है, टाइप, फंक्शन की एक टाइप नहीं होती, फंक्शन की टाइप एक्सप्रेशन होती है, दैट इज़ उसका, उसकी रिटर्न टाइप और उसके पूरी टाइप, उस रिटर्न टाइप और पैरामीटर लिस्ट बना के, जैसे पहले पैरामीटर्स आए, इन पैरामीटर है, रिटर्न क्या कर रहा है, वॉइड, दैट्स हाउ इट्स टाइप एक्सप्रेशन बिल्ड होती है और फिर ये टाइप कॉलम में सेव होती है। एक्सेस मॉडिफायर, क्योंकि डिफॉल्ट पब्लिक है, पब्लिक था और कोई टाइप मॉडिफायर नहीं था, ठीक है। अभी जैसे वो फंक्शन खुला, इस फंक्शन के अंदर एंट्री, अभी तीसरे फंक्शन की एंट्री नहीं होगी, पहले क्या होगा, जैसे फंक्शन खुला उसका स्कोप क्रिएट हो गया, आप ऊपर से नीचे रीड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पहले फंक्शन की सारी एंट्रीज हो गई, क्या उस फंक्शन के अंदर, ठीक है। पीछे अगेन अपने कोड को रिविजिट कर लेना, वेरिएबल ए है, इन टाइप है, स्कोप टू में सारे स्कोप लिखे हुए हैं, सारे तुम चेक कर लेना, एक ही एंट्री जितने हर स्कोप में नई 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 एंट्रीज हो रही हैं। सेम स्कोप में दो नाम सेम नहीं हो सकते, अगर देख लो ए अलग अलग स्कोप में है, अलग अलग स्कोप में है, दैट्स वेल, ठीक है। फिर एफ एन आया, ठीक है, ये सारे, ठीक है, जो भी हैं एफ एन ये है और एफ एन का ये देख लो पैरामीटर लिस्ट में था एंड कॉमा फ्लोट, यहाँ वेरिएबल के नाम नहीं आएंगे, क्योंकि वेरिएबल के नाम तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ सिर्फ टाइप, एंड कॉमा फ्लोट, रिटर्न इंटीजर। इसका मतलब है जब चेकिंग करनी होगी आगे जाके कि फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो फंक्शन के नाम और उसकी पैरामीटर लिस्ट को मिला के चेकिंग करेंगे और जब रिटर्न टाइप की ज़रूरत होगी तो यहाँ से रिटर्न टाइप उठा लेंगे। तो ये कॉमा सेपरेटर है, एरो सेपरेटर है, एरो आपकी पैरामीटर लिस्ट और रिटर्न टाइप को सेपरेट कर रहा है, कॉमा पैरामीटर लिस्ट के अंदर मुख्तलिफ पैरामीटर्स की टाइप को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो तीन, पहला एक ए की एंट्री हुई तो ए की सारी एंट्रीज आ गई, ठीक है। अगेन वन बाय वन, पहले ए की एंट्री यहाँ हुई होगी, फिर टेबल क्रिएट हुआ होगा विच इज इनिशियली एम्प्टी, लिंक क्रिएट हुआ होगा, फिर उसके अंदर वन बाय वन इसकी एंट्रीज हुई होंगी और जहाँ फंक्शंस आ गए तो फंक्शन के अंदर की डाटा की एंट्री फंक्शन टेबल में हो गई। आगे बढ़ते हैं, बी आया, बी की एंट्री हुई, अगेन वही सारी चीज़ें हैं, इस पर कोई क्लास नहीं है। जैसे बी आया तो बी का नया टेबल क्रिएट हो गया, अब तुमको टेबल का स्ट्रक्चर वही है लेकिन बी का टेबल अलग है, बी का टेबल आया और अगेन उसके अंदर उसकी एंट्री हो गई, तो अल्टीमेटली बी के अंदर उसका डाटा आ गया विच इज ए और एफ एन, और यहाँ से वो वाले सारे भी गए। अब टेबल ए की है, क्लासेस अलग हों तो होने दो, फंक्शन अपने इसको, इसका मतलब है जब तुम्हें चेक करना है ए वेरिएबल डिक्लेयर है कि नहीं, कहीं से किसी जगह यूज़ किया, अब 11 स्कोप में ए यूज़ हो रहा था, ठीक है, और वो 9 में डिक्लेयर था तो आपने 11 में गए, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, नहीं ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ सॉरी 11 स्कोप में एक्स यू दो रहा था और 7 स्कोप में डिक्लेयर था, पीछे एग्जांपल लिखी थी, ठीक है। तो सबसे पहले उस तक, ठीक है, आप क्या करते हैं, आपने सबसे पहले एक्स में, आपने करंट स्कोप तो आपको पता है 7 है, आपने इसमें चेक किया, अब देखो करंट स्कोप 11 है, अब जब चेकिंग हो रही है ना, वेरिएबल अनडिक्लेयर है कि नहीं है, तो यहाँ से नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि सबसे पहले आपने करंट स्कोप को चेक किया, एक नाम स्कोप नंबर 11 में मौजूद है कि नहीं, अब सिंबल टेबल आया, क्या ए 11 स्कोप में मौजूद है, नहीं है, अब चेक किया प्रीवियस स्कोप में विच इज 9, क्या ए एक्स 9 स्कोप में मौजूद है, नहीं है, मैं पीछे वाली एग्जांपल की बात कर रही हूँ उसी को देख लेना, अब 9 का पेरेंट था 8, क्या एक्स 8 स्कोप में मौजूद है, नहीं है, फिर पेरेंट था 7, क्या एक्स 7 स्कोप में मौजूद है, हाँ है। अब इसका मतलब है पहले आप नाम उठाते हैं, करंट स्कोप की वैल्यू उठाते हैं और सिंबल टेबल में मैच करते हैं, सिंबल टेबल है बेसिकली रिपोजिटरी तुम्हारी, डेटा अबाउट डेटा, डेटा डिक्लेयर करा रहे हो उसका डेटा यहाँ पर मेंटेन्ड है, तो तुम्हारा जो स्टैक मेंटेन है वो तुम्हें तुम्हारे से ये इन्फॉर्मेशन रखने के लिए कि अब तक करंट स्कोप कितने ओपन हुए हैं इस वक्त और
तुम्हें चेकिंग कहाँ कहाँ करनी है, चेक करोगे कहाँ, इस सिंबल टेबल में अपनी इन्फॉर्मेशन में। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे एक कोड में मौजूद है, देखो तुम्हारे सिंबल टेबल में मैनेज हो गए। तो तीन तरह के टेबल हैं, एग्जिस्टेंस या इंस्टेंस चार हैं। इस फंक्शन टेबल की एक ही इंस्टेंस होता है, मेन टेबल की एक ही इंस्टेंस होता है, और क्लास ए की बॉडी का टेबल और क्लास बी की बॉडी का टेबल, ठीक है। द एग्जांपल जो कि हमने पीछे दी थी, ठीक है। तो असल में सिंबल टेबल की, ठीक है, सिंबल टेबल का स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया। असल में सारी एंट्रीज सिंबल टेबल में करने की हैं, हर डिक्लेरेशन के पाए में सिंबल टेबल को पॉपुलेट कर देना है। पॉपुलेट कर दोगे तो आगे सिमेंटिक चेकिंग आराम हो जाएगी। अच्छा, दूसरी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को भी साथ जल्दी से देख लेते हैं। एक इंटरफेस है, एक क्लास है, एक और क्लास है, एक और क्लास, तीन चार क्लास हैं। तो वन बाय वन एंट्री होगी, पहले एक्स की एंट्री होगी विच इज एन इंटरफेस, एक्स इज मॉडिफायर नहीं है, ठीक है। अगेन मैंने अब खाली छोड़ दिया है, जो भी डिफॉल्ट है, कोई कैटेगरी नहीं है, कोई पेरेंट नहीं है, एक्स इंटरफेस के पेरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इंटरफेस अगर डाटा होता तो इसके अंदर आ जाता, टेबल क्रिएट हुआ, इनिशियली एम्प्टी है, अगर डाटा होता तो आ जाता, नहीं है तो नहीं आएगा। ए आया, क्लास है विच इज़ नाउ इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट, इसी कैटेगरी हो गई, इसका कोई पेरेंट नहीं है, एम्प्टी छोड़ दिया, अगेन नन या जो भी है, और इसका टेबल क्रिएट हुआ, इसका डाटा इसके अंदर आ जाएगा, नहीं है तो एम्प्टी हो जाएगा। बी आया, बी क्लास क्लास है, जनरल है, लेकिन इसका पेरेंट एग्जिस्ट करता है विच इज़ ए, ठीक है। अब जब चेकिंग होगी तो कैसे होगी, जब ए आया होगा तो पहले आपने चेक किया कि यहाँ पे क्लास का नाम है वो मौजूद भी है, तो आपने मेन टेबल में इसकी एग्जिस्टेंस चेक की, हाँ ए के नाम की क्लास मौजूद है। फिर आपने चेक किया वो सील्ड तो नहीं है, नहीं वो सील्ड नहीं है, हाँ इट्स अ वैलिड इनहेरिटेंस, ठीक है। फिर ये सी आया और ये सील्ड है, अगर सी सील्ड है और डी उसे एक और क्लास बनाते हैं और वो उसे इनहेरिट करने की कोशिश करता, तो इसकी कैटेगरी से ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। सी, अच्छा, मल्टीपल क्योंकि पेरेंट पॉसिबल है तो कॉमा सेपरेटेड, इसमें पहले क्लास हो सकती है, बाकी वरना एक से ज़्यादा इंटरफेसेस हो सकते हैं। तो अगेन जब बी आया होगा तो बी चेक किया होगा, बी एग्जिस्ट करता है, हाँ क्लास है। एक्स आया कि एग्जिस्ट करता है, और अगर एक्स एग्जिस्ट करता है तो उसे इंटरफेस ही होना चाहिए, हाँ वो इंटरफेस ही है, सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। हर एक के हिसाब से उसका फंक्शन क्रिएट होता जा रहा है। अगर तुम इधर देख रहे हो, इसकी टाइप एक्सप्रेशन क्या बनेगी, इंट एरो इंट, ठीक है, फंक्शन वर्चुअल है, नई क्लास बनाई, ठीक है, इसके अंदर डेटा टेबल के अंदर, ठीक है। अच्छा, एफ की एंट्री भी होगी, मैं लिखना भूल गई, इधर लिख लेना, एक एंट्री एफ की भी होनी है, एफ है, फ्लोट है, स्टैटिक है, ठीक है, मैंने मिस कर दी है एंट्री, एंट्री कर लेना। और फिर फंक्शन है इंट कॉमा इंट एरो इंट, पब्लिक है, और टाइप मॉडिफायर ओवरराइड। अच्छा, अब यहाँ पे सिमेंटिकली पहले चेक होगा, क्या चेक होगा, ऐसी एंट्री नहीं हो जाएगी। अब अगर ओवरराइड है तो तुमने ये चेक किया पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास अगर कुछ नहीं है तो ऑब्जेक्ट वाली क्लास सी शार्प, तुम्हारे रिस्पेक्ट से अगर कुछ भी नहीं है तो ये गलत है, ठीक है। तुमने चेक किया कि फंक्शन प्रीवियस क्लास, अच्छा प्रीवियस क्लास से पता चलेगी, इधर से नहीं देखते, जो हम करंट क्लास सी में है, हमने इसकी पेरेंट चेक किया, पेरेंट में बी, पहला नाम बी पड़ा है, इसका मतलब बी क्लास में है कि नहीं है। आप बी क्लास में गए, ठीक है, कैसे गए, इधर से बी की नाम उठाया, बी बी की एंट्री पे गया, उसके यहाँ से एर, ठीक है, यहाँ से इसके लिंक लेकर बी क्लास चले गए, और आपने चेक किया ये नाम इस डेफिनेशन के अंदर मौजूद है और क्या वो वर्चुअल है कि नहीं है। तीन चीज़ें चेक करनी है, नाम भी होना चाहिए, फिर आपने चेक किया कि उसकी सेम एट्रीब्यूट सिर्फ सॉरी सेम सिग्नेचर, इसमें सिर्फ पैरामीटर लिस्ट मैटर करती है, सेम पैरामीटर लिस्ट यानी एरो के पहले वाली चीज़ वो मैच कर रहा है, और फिर आज आखिरी चीज़ चेक की क्या वो वर्चुअल है कि नहीं है। हाँ, ये चीज़ें ऐसे ही हैं, नेम होता पैरामीटर लिस्ट मैच नहीं करती, गलत हो जाता, फंक्शन ये नहीं होता, नेम और पैरामीटर लिस्ट यही होते, वर्चुअल नहीं होता, इवन देन इट्स नॉट, अगर नहीं होता तो फिर आप उसके पेरेंट पे जाते हैं, ठीक है। तो पूरी हायरार्की होती है ना, कैसे जाते हैं उसके पेरेंट पे, बी के अंदर जब जाते हैं आप उधर से उसका पेरेंट उठाते हैं, फिर उसके पेरेंट पे जाते हैं, तो सो एंड सो फॉर पूरी हायरार्की में चेक करते हैं, वर्चुअल नहीं मरता देन आप एरर कहते हैं, अदरवाइज आप सिंबल टेबल में एंट्री कर देते हैं। ये एक्स और ये ए लोकल डाटा है, अपने अपने स्कोप में आ रहा है, स्कोप देख लो, पहला स्कोप, दूसरा एक स्कोप, सेकंड स्कोप, थर्ड स्कोप, इंटरफेस को हमने स्कोप नहीं दिया क्योंकि इंटरफेस के अंदर कोई कोड नहीं आता, सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं। दिस इज़ वन स्कोप, दिस स्कोप नंबर टू, स्कोप नंबर थ्री, जो ये थ्री में आ गया, दिस स्कोप नंबर फोर, दिस इज स्कोप नंबर फाइव, तो ये फाइव में आ गया, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ सिंबल टेबल मैनेज होते हैं, दिस इज़ हाउ सिंबल टेबल पॉपुलेट होते हैं, दैट इज़ हाउ, दिस इज़ व्हाट सिंबल टेबल इज। असल में सारा खेल सिंबल टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करने का है, असल में सारा सिमेंटिक एनालिसिस सिंबल टेबल को मैनेज करने का, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड सिंबल टेबल मैनेजर। आज हमने ये बात की है कि डिक्लेरेशन होती है सिंबल टेबल में, एंट्रीज कैसे होती है, सिंबल टेबल होता कैसे है, ठीक है, डिक्लेरेशन एंड डिक्लेरेशन चेक कैसे होती है, ये सब सिंबल टेबल के थ्रू चेक होती है, सब चेकिंग इसके थ्रू हो सकती है।
कोई भी कोड लिखो, कोई भी चेकिंग करना चाहो, तुम इस इंफॉर्मेशन से हर तरह की चेकिंग कर सकते हो, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे सामने, ठीक है। हाँ, अब क्या मैटर करता है, अब हमारे पास एक मैटर करता है कि अब हम इस सिंपल वे की इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज कैसे करेंगे, ठीक है। कुछ हमने एग्जाम्पल आज की, वही मैंने कहा तो मैं ना भी बताऊँ तो भी, अगर तुम, मैं तुम्हें कोई एग्जाम्पल दे दूँ कि बताओ इसके थ्रू चेक कैसे करोगे, तो तुम इस सिंबल टेबल से मैनेज कर सकते हो। लेकिन अब हम एक्चुअली कोड सामने लिख कर वन बाय वन इस देखेंगे कि हर वर्ड के बाद सिमेंटिकली एनालाइज, सिमेंटिक एनालाइज करता क्या क्या काम है। तो सिमेंटिकली एनालाइज का काम इन डिटेल अब से ऑनवर्ड के लेक्चर में हम कवर करेंगे, और फिर एट्रीब्यूटेड ग्रामर क्या होती है और किस तरीके से चेकिंग होती है हम उसको लेके चलेंगे।